गुड नून 11th क्लास। आज बच्चा जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इस लॉ को हम यूज़ करते ताकि हम लोग किसको फाइंड आउट कर सके, रिजल्टेंट आर वेक्टर को फाइंड आउट कर सके। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, जो हमारी ओ पी साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे ए वेक्टर को, और जो हमारी पी क्यू साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे बी वेक्टर को। इन दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम? फर्स्ट वेक्टर का हेड अटैच होता है सेकंड वेक्टर के टेल से। और रिजल्टेंट कैसे होता है कि जो रिजल्टेंट का टेल होता है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से अटैच होता है, और रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से अटैच होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। तो इसे फाइंड आउट करने का आज हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसको ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर किया, क्योंकि हम ट्रायंगुलर लॉ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में भी हमने क्या किया, इस ओपी साइड को फर्दर प्रोसीड किया पी एन तक। ठीक है, और फिर इसमें फ्रॉम द पॉइंट क्यू, क्यू से लेके पी तक, हम क्यू से लेके एन तक हमने क्या ड्रॉ किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये जो हमारा एंगल है क्यू ओ पी, ये बीटा है, और ये हमारा जो एंगल है क्यू पी एन, इसको हमने माना है थीटा। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं? इन ट्रायंगल क्यू एन पी, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल में हमारा कोस थीटा क्या होगा? व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कोस थीटा? कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इस केस में बेस कौन सा होगा बेटा हमारा, अगर हम ट्रायंगल की बात करें क्यू एन पी, इस पूरे ट्रायंगल में बेस कौन सा होने वाला है? ये हमारा जिस साइड हमारा एंगल होता है और ट्रायंगल होता है, ये हमारा बेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पी एन डिवाइडेड में हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा बेटा? ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, सो ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होगा? हमारे बी वेक्टर के, बी वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से अगर हम पी एन फाइंड आउट करना चाहें, साइड पी एन, साइड पी एन किसके इक्वल हो जाएगी? बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसी ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल में क्यू एन पी में साइन थीटा फाइंड आउट करना चाहे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ये हमारा परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड में ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है बेटा? एन क्यू के, डिवाइडेड में हाइपोटेन्यूस अगेन कितना है? बी। तो यहाँ से हमारी जो साइड है एन क्यू ऑफ द ट्राइंगल पी एन क्यू, वो कितनी हो जाएगी हमारी? बी साइन थीटा। सो दिस इज़ द साइड पी एन विच इज़ कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू बी cos theta, and this is the side nq which is comes out to be sin theta। okay, अब हम क्या करेंगे? ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होने वाला है? यहाँ पे राइट एंगल n पर है, तो हम ये पूरा का पूरा ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे हमारा ओ क्यू एन। इस ओ क्यू एन राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें हाइपरटेनियस, हाइपरटेनियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ओ क्यू जो हाइपरटेनियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर को। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में प्रपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर ओ एन का स्क्वायर प्लस में प्रपेंडिकुलर स्क्वायर एन क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए आप, ओ एन, ओ एन किससे मिलके बना है? ओ पी से और प्लस पी एन से, तो हम कह लेंगे ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर। अब ओ पी की वैल्यू किसके इक्वल है? ए वैक्टर के, तो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे ओ पी इज इक्वल्स टू ए वैक्टर। ओके, और जो हमारा पी एन है वो किसके इक्वल है? बी कॉस थीटा। इस पूरे का स्क्वायर ले लेंगे प्लस एन क्यू, एन क्यू कितना बेटा हमारा? बी साइन थीटा। सो बी साइन थीटा का स्क्वायर ले लेंगे, इसको फॉर्मूले से खोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी खुल जाएगा हमारा, प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर के अंदर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है? वन के। सो हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सो यहाँ से अगर हम रिजल्टेंट ऑफ द टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर फाइंड आउट करें बाई यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, जो हमारा आर रिजल्टेंट वैक्टर है वो कितना होगा? ए स्क्वायर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये तो हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये दो हमारे वैक्टर्स है, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी, इनका रिजल्टेंट क्या है? ये आर वैक्टर। ये रिजल्टेंट वैक्टर किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वैक्टर। फर्स्ट वैक्टर का टेल किससे अटैच है? फाइनल वैक्टर रिजल्टेंट वैक्टर के टेल से। तो हम लोग जो रिजल्टेंट वैक्टर है वो कहाँ से निकालेंगे? फर्स्ट वैक्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग रिजल्टेंट वैक्टर निकालेंगे। तो ये क्या होगा हमारा? टेंजेंट बीटा। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा?
टेंशन का फॉर्मूला होता है हम लोगों का पंडित बद्री प्रसाद। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हम लोगों का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्यू एन डिवाइडेड बाय बेस। व्हाट इज बेस, बेस इज इक्वल्स टू ओ एन। सो परपेंडिकुलर की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे क्यू एन की, क्यू एन की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पे, बी साइन थीटा। सो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ एन की वैल्यू पुट करेंगे, ओ एन किसके इक्वल है, ए वैक्टर प्लस बी कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारी डायरेक्शन आ जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, नाउ अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करना हो बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, सबसे पहली बात पैरेललोग्राम कब करते हैं लो, जब फर्स्ट वेक्टर का टेल अटैच हो सेकंड वेक्टर के टेल से। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, ये हमारा सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के टेल एक दूसरे के साथ अटैच है, तो इनका रिजल्टेंट ये आर वेक्टर होने वाला है। आर वेक्टर मैंने आपको पहले ही बताया, आर वेक्टर क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर से लेके रिजल्टेंट वेक्टर का तक का जो ये एंगल होता है ये किसको डिनोट करता है, हमारे रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इस चीज़ को एक बार के लिए भूल जाएं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम, इस साइड के पैरेलल में ये साइड ड्रॉ की और बी वेक्टर के पैरेलल में एक अनदर वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये वेक्टर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये बी वेक्टर है तो पैरेललोग्राम की जो साइड है ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, बी वेक्टर को। अगर ये ए वेक्टर है सो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होगी, इसके पैरेलल में जो साइड होगी वेक्टर के, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, अगेन ए वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगी। अब क्या हो गया, हम ट्रायंगल लॉ को लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम से हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से, रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से, रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सेम फॉर्मूले से सेम सिनेरियो में चल के हमने पी एन की वैल्यू फाइंड आउट की थी बी कॉस थीटा, एंड क्यू एन की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सके हैं बी साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट सेम इसमें भी क्या हो जाएगा, क्योंकि लगाया तो हमने पैरेललोग्राम है, लास्ट में अल्टीमेटली बन क्या गया हमारा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग वही पाइथागोरस पर में लगाएंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर का ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। अब बात आती है उसकी डायरेक्शन की, बीटा इस केस में हमारा बीटा ये है, फर्स्ट वेक्टर से लेके रिजल्टेंट वेक्टर तक जो एंगल बनता है वो बीटा होता है, जो किसको डिनोट करता है, हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। अगर एंगल बिटवीन 0 टू 90 डिग्री है तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारी ईस्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। सिमिलरली अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ टू वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो एंगल बीटा है वो हमारा बताएगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो डायरेक्ट टेंजेंट थीटा का सेम वहीं क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा क्यू एन, बेस कितना है हमारा ओ एन, अगेन वहीं फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्यू एन इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, और ओ एन किस में डिवाइड है, ए वेक्टर में, ए में और प्लस बी कॉस थीटा में। ये तो हमारा रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया हमने पैरेललोग्राम लॉ से। अब बात करते हैं अगर हमें कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला निकालना हो, कि कोसाइन ये जो एंगल थीटा बन रहा है जिससे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या फिर ये जो एंगल है बी वेक्टर के बीच में और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा है इसको हमें फाइंड आउट करना, तो इसमें हम क्या यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले रिजल्टेंट की तरफ जाएंगे। रिजल्टेंट क्या था हमारा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो हमारी ये वैल्यू है 2ab cos theta इसको एज इट इज़ रखेंगे, ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको हम अनदर साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी 2ab cos theta के। तो 2ab को अगर हम इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो cos theta क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड में 2ab। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई फर्दर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।